नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल मम्मा किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। आप सबने आगरा का नाम सुना है और आगरा की मशहूर चीज ताजमहल के बारे में भी सुना है, पर आपको यह नहीं मालूम होगा कि आगरा की बेड़े बहुत ही मशहूर है। बेड़े मतलब कचौड़ी। तो आज हम आपको सिखाएंगे आगरा की बेड़े विद सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स एंड ईजी वे। तो चलिए, संडे इज राउंड द कॉर्नर, तो संडे का ब्रेकफास्ट आप सब घर में बनाइए और खिलाइए, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आप सबको कैसा लगा। चलिए, लेट्स गो एंड प्रोसीड टू मम्मास किचन। बेड़े के लिए आधा कप उड़द दाल लेंगे, भिगो देंगे उसको और सुबह हम उसको पीस लेंगे। देखिए, पीस लिया मैंने। गरम मसाले के लिए लौंग, चार छोटी इलायची, दो बड़ी इलायची, दालचीनी और एक छोटा चम्मच काली मिर्च भी लेंगे, और इसी छोटे चम्मच से हम एक चम्मच जीरा भी इसमें रखेंगे। ये देखिए, और दालचीनी के हम दो छोटे टुकड़े इसमें रखेंगे, और इसको अब हम ड्राई फ्राई करेंगे, भूनेंगे स्लो गैस पे विदाउट एनी ऑयल और घी। बेड़े का मेन इंग्रेडिएंट, जो मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट बोला है, वो यही है। यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम भून के और ताजी गरम मसाला बना के इसमें डालेंगे। उसकी जो स्मेल और खुशबू है, उसी से बेड़े और सब्ज़ी महकती है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। ये देखिए, लो फ्लेम पर ही मैंने इसको सेका है, उसको मैंने पीस लिया है। अब हम दाल जो पीसी हुई थी उसको पैन में बिल्कुल एक टेबलस्पून ऑयल में उसको भूनेंगे। दाल बहुत अच्छे से भुननी चाहिए जिससे कि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अब इसमें मैंने गरम मसाला जो पीसा था उसमें से आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, और इसको अच्छे से मिलाते हुए भूनेंगे जिससे कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अभी देखिए, दाल बहुत चिपक रही है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे भुनती जाएगी वो अलग होती जाएगी। आगरा की बेड़े इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि इसमें जो गरम मसाला है, सुबह सुबह उठ के लोग तुरंत फ्राई करके और तब पीसते हैं, और आलू की जो सब्ज़ी है वो भी बहुत ही मसालेदार और तीखी बनती है, जिससे कि बेड़े खाने का मज़ा आता है। ये देखिए, धीरे धीरे दाल भुन रही है, जैसे जैसे भुन रही है देखिए अलग होती जा रही है। सारा योगदान इसमें मसाले का है, पर अब आप घर पे बना रहे हैं तो आप अपने अनुसार मसाला डाल सकते हैं। वैसे बहुत तीखा मसाला डाला जाता है। देखिए, आधा चम्मच मैंने और गरम मसाला डाला है, और इसको भी मिलाते हुए हम भूनेंगे। दाल भुनने में थोड़ा टाइम वक्त लगता है, पर इसका ही मेन असली मज़ा ही दाल का है। ये देखिए, दाल भुनती जा रही है, लगभग भुन चुकी है, पर अभी मेरे को सब खुरच के इसमें से निकालना है। ये देखिए किस तरह से लाल कलर हो गया है दाल का, अच्छा भुन गया है। और अब हम इसको अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमारी दाल बेड़े के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल अब चिपक नहीं रही है और अच्छे से भुन चुकी है। और अब इस दाल को हम एक सा करके और एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे। देखा आपने कितने कम ऑयल में अच्छी भुन गई है। मेरी दाल बिल्कुल तैयार है। अब हम बेड़े की तैयारी करेंगे। उसके पहले हम पहले सब्ज़ी बना लें। सब्ज़ी के लिए आलू बॉईल कर लिए थे। ये मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, जीरा, हींग, खटाई और गरम मसाला।
आलू मैंने मैश कर लिए हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाला है, थोड़ा और डाला क्योंकि कम लग रहा था, और तेल वही हमारा सरसों का। ऐसे करके हम देख लेंगे तो गरम है, तभी हम उसमें मसाले एक एक करके डालेंगे। जीरा और हींग डाला है मैंने, देखिए भून रहा है उसमें। और फिर मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली है। इसमें मैंने डाला फिर गरम मसाला, और फिर मैंने आलू मैश करे हुए इसमें डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिया। लाल मिर्च डाली है, और अब थोड़ा पानी डाल के, और अब मैंने ये 3 एम्स वाली लास्ट वाली एम डाली है, मीन्स मिर्च, हरी मिर्च। 3 एम्स लिखे थे तो उसकी खासियत वही है, काली मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च, 3 एम्स, 3 मिर्चाज। चलिए अब अच्छे से इसको 10 मिनट बॉईल होने दीजिए, इससे कि ये बॉईल हो जाए और रस ग्रेवी इसकी और रसा खूब गाढ़ा हो जाए। 10 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। स्टेप बाई स्टेप हमने काम करा, पहले हमने दाल भून के तैयार करके रखी, फिर हमने आलू की सब्ज़ी तैयार कर दी। इसको हम अलग निकाल के रख लेंगे। अब हम बेड़ें की तैयारी करते हैं। बेड़ें के लिए हमने 3 कप आटा लिया है गेहूं का, इसमें हमने नमक डाला थोड़ा सा, और मोयन के लिए इससे थोड़ी सॉफ्ट बने हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल छोटी चम्मच है तो 3, बड़ी है तो 2 चम्मच। मेरे पास छोटी चम्मच थी तो मैंने 2 चम्मच डाली, और फिर थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा और डाला। ये आपको अंदाज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट 3 स्पून आर इनफ। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और बिल्कुल रोटी के आटे की तरह मारना है, ना बहुत कड़ा ना बहुत पतला। देखिए कितना अच्छे से इसको लगा दिया मैंने आटा, देखिए ना बहुत टाइट है ना बहुत कड़ा है, लूज़ है। और इधर हमने ऑयल रख दिया, कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, सेल वही गुड फॉर हेल्थ मस्टर्ड ऑयल। और पहले हम तेज़ गैस पे रखेंगे फिर स्लो कर देंगे। अब मैंने अपनी हथेली में थोड़ा सा तेल लगाया, और जो दाल थी उसकी छोटी छोटी राउंड लोई बना के रख लेंगे, जो भरने के लिए है, भरने वाली दाल जो भुनी थी हमने। ये देखिए मैंने कितनी प्यारी लग रही है, ये छोटी छोटी सी बॉल्स बना के रख ली। वैसे तो दाल नहीं चिपक रही है, बट एहतियात के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। ये देखिए मैंने बना ली। अब आटे की लोई बनाएंगे, बहुत बड़ी नहीं ना बहुत छोटी, और इसको बेलन या किसी भी चीज़ की यूज़ नहीं करना है, हाथ से ही इसको फैला के उसमें हम वो गोली जो बॉल बनाई थी, लोई बनाई थी दाल की, वो हम इसमें रख देंगे और थोड़ा पुश करेंगे। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए रखा मैंने, ये है इसको रखा, इसको पुश कर रहे हैं, और धीरे धीरे चारों तरफ से उसको बंद कर देंगे, गोल हो जाएगी। फिर गोल राउंड करके हाथ से हथेली से उसको दबाना है, दबा दबा के उसकी कचौड़ी जैसी बना लेंगे चारों तरफ से, साइड्स भी बिल्कुल। और फिर तेल गर्म होने पे उसमें हम डाल देंगे। आप दो दो करके सेकिए अगर शुरुआत में आपको सेकने में प्रॉब्लम है, मैंने तो ज़्यादा सेकी क्योंकि तेल मेरा ज़्यादा था। और बढ़िया जब सिक जाए एक साइड से, थोड़ी देर में हम पलटेंगे, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फूल गई है, फ्लफी एकदम बढ़िया बॉल जैसी। और इसका बढ़िया सिकने का और बढ़िया बनी है इसका परफेक्शन का एक साइन है कि ये क्रैक्स पड़ जाते हैं इसमें, देखिएगा अभी आप इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, मीन्स आपकी कचौड़ी बहुत ही उम्दा बनी है। पर एक बात का ध्यान रखना है, गैस हमको स्लो ही रखनी है, तेज करेंगे तो ऊपर ऊपर का सिक जाएगा, अंदर का नहीं सिकेगा, और फिर आटा कच्चा रहता है।
कुछ लोग जल्दीबाजी में सेकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया क्रैक्स आ गए हैं और मस्त सिके हैं। देखिए मैंने इंडिकेशन भी आपको दिया है, परफेक्ट है। सर्व हॉट विद आलू सब्जी, खिलाइए और बताइए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ममाज किचन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। थैंक यू।